फ्रेंड्स, मैं रचना और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेक पालक पनीर राइस, जो बहुत ही नई रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बेक पालक पनीर राइस। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी चावल को यहाँ पर बॉईल कर लिया है और इधर मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तो हमारा तेल गर्म हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है तो मैं इसके अंदर डालती हूँ जीरा, जिसके बाद मैं डाल रही हूँ लहसुन। इसको हम चलाते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर हमारी लहसुन का कलर चेंज हो गया है, ब्राउन कलर हो गया है। तो अब हम यहाँ पर एक प्याज डालेंगे। तो मैंने एक प्याज लिया, उसको बारीक काट लिया है, इसको भी मिक्स करते हैं। हम यहाँ पर प्याज को भी 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन कलर होने देंगे। तो यहाँ पर हमारे प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है, ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 कप पालक लिया है, जिसको मैंने बॉईल किया और उसकी प्यूरी बना दी है। तो अभी इसके अंदर मैं डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँ। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैं यहाँ पर अब डालूंगी 1 चम्मच गरम मसाला, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। अब मैं यहाँ पर डालूंगी 1/2 चम्मच नमक, इसको भी मिक्स कर देते हैं। तो हम इसको 1-2 मिनट तक पकने देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पालक का मिक्सचर तैयार हो रहा है, तब तक मैं इधर एक पैन रख देती हूँ और इसमें हम पनीर डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पनीर लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पनीर को अच्छे से क्रश कर लिया है और ये मेरा होममेड पनीर है। आप चाहे तो मार्केट का भी पनीर यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए चलाऊंगी। तो हमने इसे 1-2 मिनट भून लिया है। तो मैं यहाँ पर डालूंगी इसमें 1 चम्मच सेजवान चटनी, हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें सेजवान चटनी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, नमक स्वाद अनुसार। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको भी हम मिक्स कर देते हैं। तो हमने इसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे फ्रेंड्स जो हमने चावल बनाए थे। तो मैं यहाँ पर 1/2 चावल डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं 1/2 चावल इसके अंदर डाल रही हूँ और 1/2 हमारी पालक के अंदर, जो हमारी पालक का मिक्सचर तैयार हुआ है। तो अब हम दोनों को ही अच्छे से मिक्स कर देते हैं, इनको भी कर देते हैं इधर। तो हम चावल को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे चावल, फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं पालक राइस को। तो ये भी बन चुके हैं, तो हम यहाँ भी गैस बंद कर देते हैं और अब एक प्लेट में इनको हम सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास ये इस तरीके का एक डिब्बा है, आपके पास अगर बड़ी कटोरी है या फिर इस तरीके का डिब्बा भी हुआ तो चलेगा, क्योंकि हम इसमें चावल को सर्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसमें घी लगाया है, अगर आप इसमें घी या बटर कुछ भी लगा सकते हो। तो हम इसमें चावल सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये डिब्बा हमने लिया है, अब हम इसमें डालेंगे चावल। इस तरीके से हम आधा इसको इससे भर लेंगे। यहाँ पर हमने पालक वाले राइस डाल के इसको आधा भर लिया है, अब हम यहाँ पर पनीर वाले राइस डालेंगे इसके अंदर। आधा हम इसको ये डाल लेंगे। ये देखिए, हमने पूरा भर लिया है और इसको अच्छे से तैयार कर लिया है। तो हम यहाँ पर लेंगे एक प्लेट और प्लेट को करेंगे इस तरीके से और ऐसे, और अब हम यहाँ पर इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इसको धीरे धीरे निकाल लेंगे, एकदम धीरे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा बेक पालक पनीर राइस बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को वीकेंड्स में बना सकते हैं या फिर बच्चों की बर्थडे पार्टी में भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।